डॉक्टर कुमार विश्वास के भाग्य में प्रयागराज नहीं था, प्रयागराज ने उन्हें जीवन दिया, एक दिशा दी। वे वापस अपनी मातृभूमि की ओर गए और उन्होंने वहां से अपना केंद्र बिंदु बनाकर के पूरे देश के अंदर आज छा गए, साहित्य जगत में छा गए। कौन ऐसा व्यक्ति होगा भारत या हिंदी प्रेमी, कौन ऐसा दुनिया का नहीं होगा जो डॉक्टर कुमार विश्वास को न सुनना चाहता होगा। उनकी कलम की धार ने, उनकी लेखनी ने उन्हें पहचान दिलाई। विश्व में रामराज्य द्वारा सुशासन की अभूतपूर्व अवधारणा प्रस्तुत करने वाले महाराज भरत की वेशभूषा में मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, भारत के ज्ञान दीपों में से एक प्रमुख इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री चौहान जी, इस परिसर को अपनी मेधा और अपने मातृवत संस्कार से क्रांति से शांतिपूर्ण प्रयोग की तरफ ले आई कुलपति आदरणीय डॉक्टर संगीता जी, मंच पर उत्तर प्रदेश शासन के दोनों मंत्री और मेरे आत्मीय मित्र श्री स्वतंत्र देव जी, भाई नंदी जी और समग्र बैठे हुए इस क्षेत्र के महनीय नागरिकगण और भारत के भविष्य को संकल्पना देने वाले मेरे साथी छात्रगण छात्राएं जो यहाँ पर बैठी हैं। सबसे पहले तो मैं जिनको सम्मान मिला है और जिन्होंने पदक प्राप्त किया है उन सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और विशेष रूप से उल्लेखनीय ये था कि 9 सम्मान में से 8 बच्चियाँ थीं। एक ही युवक आ पाया, क्योंकि मैं अपने राजनीतिक मित्रों से कह रहा था कि लड़कों को तो तुम समाजवादी युवजन पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा में ले गए, तो लड़के तो बचे कहाँ। बेटियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मेरा सौभाग्य है कि इसी शहर की गलियों से अपनी चिंतना का प्रारंभिक स्वरूप गढ़ते हुए मैंने माँ भारती की हिंदी की सेवा का जो संकल्प लिया और कालांतर में भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म और आध्यात्मिक चेतना के प्रसरण के लिए जो यत्किंचित में कर सका वो इसी परिसर से, इसी क्षेत्र से उसकी दीप्ति मेरे अंदर आलोकित हुई। मैं उस पूरी गुरु परंपरा का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने एक अध्यापक के घर में पैदा हुए एक सामान्य से विज्ञान के विद्यार्थी को मेधा के प्रति इतना सजग बनाया कि आज इतना महनीय परिसर मुझ जैसे एक सामान्य कवि का सम्मान कर रहा है। इसके लिए मैं उस पूरी गुरु परंपरा को प्रणाम करता हूँ। भारत में ज्ञान की परंपरा विश्व जब अपने उदर पूर्ति के साधनों में लगा हुआ था उससे भी पूर्व की है। जैसे 4 पुरुषार्थ हैं, जैसे 4 दिशाएं हैं, ऐसे ही भारत में 4 विश्वविद्यालयों ने अपनी दीप्ति से प्रसारण प्रारंभ किया, जिसमें से एक लौ इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, इस प्रयाग में जलाई गई। उस परिसर में आना और सम्मानित होना बहुत गौरव का क्षण है, विशेष रूप से एक ऐसे व्यक्तित्व द्वारा यह सम्मान या उपाधि प्राप्त करना जिन्होंने अपना कृतसंकल्प जीवन भारत के लिए, माँ भारती के लिए, सनातन धर्म के लिए और युग धर्म के लिए समर्पित किया है। मैं उन आदरणीय मुख्य अतिथि को भी आभार व्यक्त करता हूँ। जब आप सम्मानित होते हैं या आपको कोई उपाधि मिलती है या पुरस्कार मिलता है तो प्रसन्नता के साथ साथ उत्तरदायित्व बोध भी बहुत बढ़ जाता है। जितने भी विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं उनको उस पिछली सीट से मंच तक पहुँचने के लिए जो संकल्प, जो साधना और जो समर्पण चाहिए, मैं आशा करता हूँ कि आज के दीक्षांत समारोह के बाद वो आपके प्राणों में उतरेगा, वह आपके प्राणों में प्रतिभाषित होगा। हिंदी का विद्यार्थी होने के नाते इस परिसर में टहलते समय इस परिसर के प्रत्येक पेड़ को, इस परिसर की प्रत्येक वीथी को, इमारत के हर एक हिस्से को छूने का और प्रणाम करने का मन करता है। चूँकि जिनको पढ़कर, जिनकी शैली में रचकर, जिनका अनुसरण करके यहाँ तक पहुँचने का मन हुआ है, हिंदी के सभी तीर्थ पुरुष इसी विश्वविद्यालय के परिसरों में टहले हैं, यहीं से हिंदी की कविता का संस्कार हुआ है। जब कभी सामने बैठे हुए हमारे मित्र हिंदी की मंचीय कविता के महंगे हो जाने का ताना मारते हैं तो मैं उनसे यही कहता हूँ
कि मुझ जैसा एक सामान्य कवि जो केवल अक्षर जोड़ रहा है, जिसकी कोई अभी गति नहीं है, जो एक पंक्ति के योग्य भी नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं एक समय ऐसा था कि जब महाप्राण निराला तक को भी उपेक्षा के गर्त में डाला गया, शायद मुझ जैसे व्यक्ति उसका ही बदला ले रहे हैं, उसकी ही पूर्ति प्रतिपूर्ति करने का काम कर रहे हैं। मैं समय की सीमा के अनुसार और मर्यादा के अनुसार आचरण करते हुए गुरु परंपरा के अतिरिक्त अपने माता पिता को विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझ में संस्कार दिया। एक ऐसे पिता जिन्होंने प्रारंभ से हिंदी भाषा संस्कृत दोनों के लिए अपना जीवन दिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से सामाजिक संकल्पना को जीने का मंत्र दिया और हमारे संस्कार उसी तरह पोषित किए। जब भी कोई सम्मान मिलता है तो मैं यही पंक्तियाँ दोहराता हूँ, सुनाता हूँ कि जाने मेरे कितने छल और कितने पाप छिपाए हैं, जाने मेरे कितने छल और कितने पाप छिपाए हैं, अपने अंतस में जो मेरे सब संताप छिपाए हैं, जिनके दिन और रात हुए मेरे आंसू मुस्कानों से, जिनके दिन और रात हुए मेरे आंसू मुस्कानों से, पत्थर भी हीरा बनकर चमका जिनके वरदानों से, पत्थर भी हीरा बनकर चमका जिनके वरदानों से, जननी और जनक के उन पावन चरणों का वंदन है, यह मेरा अभिनंदन भी तो उनका ही अभिनंदन है। इसी इलाहाबाद में नाकाम कैरियर और नाकाम मोहब्बत समेट कर जब मैं उत्तर प्रदेश के दूसरे कोने में पहुंचा तो इसी इलाहाबाद के लिए मैंने कभी यह भी कहा कि ये दिल बर्बाद करके इसमें क्यों आबाद रहते हो, कोई कल कह रहा था तुम इलाहाबाद रहते हो, ये कैसी, कोई कल कह रहा था तुम इलाहाबाद रहते हो, ये कैसी शोहरतें मुझको अता कर दी मेरे मौला, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ मगर तुम याद रहते हो। कोई शहर अगर इस तरह अंदर बस जाए तो मैं कैफी आजमी साहब का ये शेर याद करता हूँ। ये खबर कल छपी कि विश्वविद्यालय की सर्वोच्च उपाधि हिंदी के कवि को दी जाएगी। माननीय कुलपति जी प्रेस ब्रीफिंग कर रही थी और मैं एक कार्यक्रम में था, मुझे वो खबर मैंने देखने को मिली। अब ये कल खबर छपेगी कि भारत में ऊर्जा के सबसे आशावान स्रोत आदरणीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से उपाधि मुझे प्राप्त हुई, तो ये खबर कहीं ना कहीं किसी घर में पढ़ी जाएगी और जिस घर में वो पढ़ी जाएगी उसके लिए मैं यही शेर कहूँगा कि आज फिर टूटेंगी तेरे घर की सारी खिड़कियाँ, आज फिर टूटेंगी तेरे घर की सारी खिड़कियाँ, आज फिर देखा गया दीवाना तेरे शहर में। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आशा करता हूँ कि इस विश्वविद्यालय का मेरे प्रति अनुराग, एक शिशुवत स्नेह कृपा मुझ पर बरसती रहेगी। मंचस्थ आदरणीय लोगों ने जिन्होंने कृपा की आज पधारने की, उन सब का स्नेह मेरे पर रहेगा और जिस उत्तरदायित्व बोध के लिए मुझे नामित किया गया है, माँ भगवती माँ भारती मेरे राघवेंद्र सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम राम मुझे शक्ति देंगे कि मैं अपने प्राण की अंतिम आह तक भी उसे पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध रहूं। आप सबका बहुत बहुत आभार। जय भारती, जय भारत। आज हमारे बीच में गरिमामयी उपस्थिति माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी की है। राजनीति विज्ञान विभाग से हूँ इसलिए कहूँगी कि लगता है कि साक्षात आचार्य चाणक्य की तरह धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र और अर्थशास्त्र के ज्ञान का समागम हमारे बीच में है और इसीलिए उनसे निवेदन करती हूँ कि वो आएँ और अपना ज्ञान हमको हमारे साथ भी साझा करें। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 136वें दीक्षांत समारोह के आज के इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष श्यासीष कुमार चौहान जी, विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी गण, श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, महापौर प्रयागराज श्री गणेश केसरवानी जी, माननीय सांसद श्री प्रवीण पटेल जी, विधान परिषद के हमारे माननीय सदस्यगण श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, पीयूष रंजन निषाद जी, हर्षवर्धन वाजपेयी जी, नवनिर्वाचित विधायक श्री दीपक पटेल जी, विधान परिषद के सदस्य श्री सुरेंद्र चौधरी जी, अधिष्ठाता कला संकाय इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रोफेसर अनामिका राय जी, विश्वविद्यालय के सभी सम्मानित आचार्यगण और विश्वविद्यालय के द्वारा जिन्हें अभी यहाँ पे सम्मानित किया गया है, हिंदी जगत में जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से अपना एक अलग स्थान बनाया है, ऐसे डॉक्टर कुमार विश्वास जी और उपाधि प्राप्त करने वाले सभी मेरे प्रिय युवा साथी छात्र छात्राएं, ये मेरे लिए अत्यंत आनंद की अनुभूति का क्षण है जब प्रयागराज के इस पावन धरा पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इस 136वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर मुझे आप सबके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ और अपने इन युवा साथियों को उनकी उपाधि प्रदान करने के अवसर के साथ ही हिंदी के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए श्री कुमार विश्वास को विशेष मानद उपाधि से भी सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उपाधि प्राप्त करने वाले सभी ऊर्जावान युवा साथियों को और श्री डॉक्टर कुमार विश्वास जी को हृदय से बधाई देता हूं, इन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपनी एक प्रतिष्ठा के लिए जाना जाता है और एक लंबे समय तक जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र था जिस क्षेत्र में इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इस देश को उच्चतम स्तर से लेकर के जीवन के विभिन्न स्तरों पर कार्य करने के लिए एक ऊर्जावान पीढ़ी न प्रदान की हो, सार्वजनिक जीवन में सेवा का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र रहा हो, उत्कृष्टतम वैज्ञानिक देने का हो, देश की न्यायिक सेवाओं में उच्चतम न्यायालय से लेकर के जनपद न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों की एक लंबी श्रृंखला देने का कार्य रहा हो,
कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसमें एक समय, चाहे वह प्रशासन का हो, जिसमें एक ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से लेकर के कैबिनेट सेक्रेटरी तक प्रतिनिधित्व इलाहाबाद विश्वविद्यालय करता हुआ दिखाई देता था। लेकिन समय की गति होती है, और जैसे कि यहां के कुलपति जी ने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में इस बात का उल्लेख किया क्या कभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इस बात का चिंतन किया कि कौन से ऐसी परिस्थितियां हैं, क्या हम समय के उस प्रवाह के साथी बन पाए, क्योंकि कालचक्र तो किसी का इंतजार नहीं करेगा, उसकी गति तो निरंतर चलती रहेगी, और अगर हम उस गति से 10 कदम आगे बढ़ करके चलते हैं तो समाज, देश और दुनिया हम सब का अनुसरण करती है, और अगर हम उससे पीछे हैं तो हमें पिछलग्गु होने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ये व्यक्ति पे तय, व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह अपनी गति को समय के प्रवाह के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है और उसको अपना अनुसरण करने के लिए मजबूर कर रहा है, या फिर उसको पिछलग्गु बनकर के अपने को पिछड़ा घोषित करना है। और कहीं ना कहीं इसी द्वंद्व का शिकार इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहीं अवश्य बना होगा। लेकिन इन सभी विपरीत परिस्थितियों और झंझावतों के बीच भी इस विश्वविद्यालय ने उस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करते हुए आज फिर से उस प्रतिष्ठा को प्राप्त करने की अंतः वेदना को महसूस किया है, और फिर से अपने पुरातन गौरव को स्थापित करने की जो ये तड़प है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपने पुरातन गौरव को अवश्य प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं यहां पे कुछ बातें देख रहा था, जब यहां पे विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति दीक्षांत उपदेश दे रहे थे। मित्रों, जब हम लोग दीक्षांत उपदेश की चर्चा करते हैं तो ये केवल दीक्षा का, ये दीक्षा का अंत नहीं है, एक नूतन शुरुआत होती है, और ये नूतन शुरुआत एक नए जीवन में प्रवेश करने की, और ये पहली बार नहीं है। हमारा देश तो भारत है, इसका मतलब ही है ज्ञान में रत रहना, रहने वाला देश। ये प्रयागराज है, दुनिया की सबसे प्राचीन गुरुकुल इसी प्रयागराज में महर्षि भारद्वाज के द्वारा स्थापित की गई थी। उच्च शिक्षा का केंद्र कैसे होना चाहिए, प्राचीन भारत ने दुनिया को दिखाया था। याद करिए, आज से 3500 वर्ष से पहले और 5000 वर्ष के बीच का वह कालखंड जब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक ग्रंथ के रूप में भारत ने, भारत की ऋषि परंपरा ने उपनिषदों की रचना की होगी, और उसी उपनिषद के कुछ पंक्तियां हमारे गुरुकुल में दीक्षांत उपदेश के रूप में अंगीकार की गई, जिसे हम तैतरीय उपनिषद के रूप में बोलते हैं कि सत्यम वद धर्मम चर,
स्वाध्यायान्मान प्रमतः सत्यान प्रमादितव्यम धर्मान प्रमितव्यम कुशलान प्रमितव्यम भूतेन प्रमितव्यम। यानी इन सभी बातों का उल्लेख करते हुए देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमितव्यम, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये तैतृय उपनिषद का वह दीक्षांत उपदेश है जो हमारे गुरुकुलों में आज से नहीं हजारों वर्षों से अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद एक नए जीवन में प्रवेश करने वाले छात्र को प्रदान किया जाता था। यानी कि सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना, स्वाध्याय में प्रमाद न करना, सत्य से न हटना, धर्म से न हटना, कुशल कार्य में प्रमाद न करना, महान बनने के अवसर से वंचित न रहना, माता पिता के प्रति सम्मान का भाव रखना, देव और पितरों के कार्यों से अपने आप को प्रमाद न करना, अन्य अन्य दोष रहित कर्मों से अपने आप को जोड़ना, यानी किस पवित्र भाव के साथ जब और क्यों इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई। मैं सोचता हूं जब भी मुझे किसी संस्थान में जाने का अवसर प्राप्त होता है, दीक्षांत उपदेश को मैं बोलता हूं कि दीक्षांत उपदेश में सत्य की बात भी है, धर्म की बात भी है, तो मुझे 5000 वर्ष पहले भगवान वेदव्यास की भी ये बात याद आने लगती है। याद करिए, भारत को चारों वेदों को एक संहिता के रूप में आने वाली पीढ़ी को श्रवण परंपरा से हटा करके, गुरु शिष्य की उस परंपरा से हटा करके सबके लिए सुलभ बनाने वाले भगवान वेदव्यास हैं। दुनिया का सबसे बड़ा प्रबंध काव्य महाभारत, 1,00,000 श्लोकों का जो प्रबंध काव्य बना महाभारत, उस महाभारत की इस पूरी टीम को नेतृत्व प्रदान करने वाले भगवान वेदव्यास हैं। ज्ञान भक्ति और वैराग्य का और कोई ऐसा सनातन धर्मावलंबी नहीं होगा जो अपने घर में या जिसकी इच्छा ये न होती हो कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा मैं एक बार सुनूं। श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे पुराण की रचना करने वाले आने वाली पीढ़ी के लिए पुराण और उप प्राणों की रचना को आगे बढ़ाने वाले, कुरुवंश को हर विपरीत परिस्थिति में बचाने वाले, और एक नहीं 8-8 पीढ़ी तक जिस वेदव्यास ने कुरुवंश को न केवल मार्गदर्शन किया बल्कि विपरीत परिस्थितियों में उसको बचाने का प्रयास भी किया, और इन सब के बावजूद उनका जीवन कितनी वेदना और पीड़ादायक था। उस पीड़ा और वेदना के क्षणों में भी उन्होंने धर्म और सत्य के मार्ग से कभी अपने आप को अलग नहीं किया, लेकिन अंत में उनको भी बोलना पड़ा था कि उर्ध्व बाहुर विरोमेस्य न च कश्चित् शृणोति माम्, धर्मार्थ अर्थस्य कामस्य च किमर्थम न सेव्यते।
यानी उनको भी कहना पड़ा था कि मैं बाहें उठा करके लोगों को समझा रहा हूं कि धर्म से ही अर्थ और काम की प्राप्ति होती है, इसलिए क्यों धर्म के मार्ग पर नहीं चलते। क्या भारतीय मनीषा ने धर्म को केवल उपासना विधि माना है? नहीं। कल भारत के संविधान का दिवस था, नवंबर 1949 को भारत ने अपना संविधान अंगीकार किया था। और 26 नवंबर 1949 को अंगीकार करने के बाद 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 से लेकर के जो संविधान की मूल प्रति है उसमें कहीं भी पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द नहीं है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्वान आचार्यों के सामने इस बात को कह रहा हूं। हो सकता है संविधान की मूल प्रति आपके पास होगी, कहीं भी ये दो शब्द नहीं है। ये दो शब्द जोड़े गए तब जब इस देश में संसद भंग थी, इस देश में न्यायपालिका के अधिकार कुंद कर दिए गए थे, इस देश के लोकतंत्र पर कुठाराघात हुआ था। और जिन लोगों ने संविधान का गला घोटने का काम किया था वे लोग संविधान बचाने का ठेका लेकर के आज ढिंडोरा पीट रहे जा रहे हैं, ढिंडोरा पीटे जा रहे हैं। आज कह रहे हैं कि साहब संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। प्रश्न ये उठता है कि यह समाज मूल्यांकन उन लोगों का कब करेगा जो लोग लोकतंत्र के लिए स्वयं खतरा है, जिन लोगों ने संविधान पर अपनी मर्जी से छेड़छाड़ करने का कुत्सित प्रयास किया ही नहीं बल्कि करके लोकतंत्र को पूरी तरह पैरालाइज करने का प्रयास किया था। और क्या भारतीय मनीषा ने धर्म को केवल उपासना विधि या मत और मजहब के का पर्याय बनाया था? कतई नहीं बनाया था, कभी नहीं बनाया। हमारे यहां धर्म की तो बहुत विराट परिभाषा है, बहुत विराट। अगर आप उसको देखेंगे भारत के संविधान की भावनाओं के अनुरूप ही अगर आप देखेंगे तो भारत का संविधान तो कहता है कर्तव्य, सदाचार, और नैतिक मूल्यों का जो प्रवाह है जिस पर व्यक्ति और समाज का जीवन टिका है वही धर्म है। हमारे दर्शन कहते हैं यतो अभ्युदय निश्रेय से सिद्धि सधर्म, यानी धर्म वह नहीं है जिसको हम आज के दिन पे मान ले रहे हैं। धर्म जो हमारे अभ्युदय का यानी सांसारिक उत्कर्ष का, इस जीवन में सांसारिक उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त कर ले और इस जीवन के बाद, क्योंकि जन्म लिया है तो व्यक्ति एक दिन मरेगा जरूर, मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त कर ले, वही धर्म है। धर्म को किसी संकीर्ण दायरे में कैद करके भारतीय मनीषा ने कभी नहीं रखा।
हमने सबको स्वीकार किया। पूरी दुनिया की मानवता के सामने जब भी संकट आया, भारत बाएं फैला करके खड़ा था कि आओ हमारे यहां शरण लो, हम तुम्हें शरण देंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे। हमने कभी अपने स्वार्थ के लिए किसी का अहित नहीं किया। यह है सनातन धर्म, यह है भारत। और उस भारत में धर्म की व्याख्या कितने संकुचित दायरे में कैद करके अपने स्वार्थ के लिए भारत के संविधान की आत्मा पर ही कुठाराघात कर दिया जाता है, ऐसे शब्द घुसेड़ दे जाते हैं। वो पंथ निरपेक्ष से बढ़कर के अब वह धर्म निरपेक्ष हो गया। और फिर कहां तक जाएगा? एक पक्ष वह है हमारी युवा पीढ़ी के सामने, और मैं अपने युवाओं के सामने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि युवा को हम कल का नहीं आज का नागरिक मानते हैं, और यही युवा कल का भविष्य भी है। युवा ने जब भी अंगड़ाई ली है, कुछ नया जरूर हुआ है, लक्ष्य तक जरूर पहुंचे हैं। याद करिए, जब भगवान राम ने संकल्प लिया होगा, निश्चरहीन करो मई भुज उठाए प्रण कीन, या जब श्री कृष्ण ने कंस के अत्याचार से तबा मथुरा को अभय प्रदान करने के लिए, या उस कालखंड में अधर्म को सर्वथा समाप्त करने के लिए संकल्प लिया होगा कि परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, या जब पूरी दुनिया को निर्वाण का संदेश देने वाले बुद्ध, या आप दीपो भव के माध्यम से पूरी दुनिया को अंदर अपने अंदर झांकने की प्रेरणा देने वाले महावीर रहे हो, या फिर दुनिया के अंदर आप देखें देश के अंदर जितनी भी बड़ी उस समय के क्रांतिकारी पैदा हुए, कोई उनसे पूछता था क्यों लड़ रहे हो, क्यों कर रहे हो ये, उनका एक ही संदेश होता था। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई, उनसे पूछा गया कि अंतिम इच्छा, उन्होंने कहा कौन अंतिम इच्छा, उन्होंने एक पंक्ति लिख दी कि हे इस भारतवर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे मुक्ति मिले, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे कोई रत्न मिले, एक ही बात थी मातृभूमि के लिए, गुलामी की बेड़ियों को समाप्त करने के लिए। याद करिए, जब वीर सावरकर को आजन्म कारावास की सजा हुई थी, एक नहीं दो दो आजन्म कारावास की सजा हुई थी, क्या उम्र थी वीर सावरकर की? 28 वर्ष। महाराणा प्रताप ने जब प्रथम युद्ध लड़ा था अकबर के खिलाफ, मात्र 22,000 की सेना थी महाराणा प्रताप के पास, और अकबर की सेना 1,00,000 से अधिक थी। हल्दी घाटी का युद्ध होता है, महाराणा प्रताप की उम्र थी मात्र 27 वर्ष। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की थी, क्या उम्र थी छत्रपति शिवाजी महाराज की? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादे भारत के लिए, धर्म के लिए शहीद हुए, क्या उम्र थी उनकी? साहबजादा अजीत सिंह, फतेह सिंह, जुजार सिंह, जोरावर सिंह, 7 वर्ष, 9 वर्ष, 11 वर्ष, 14 वर्ष।
क्या देश के लिए बलिदान होने के लिए किसी कोई उम्र मोहताज रखती है क्या? और यही कहने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं, आपसे कहने के लिए कि हमारी युवा पीढ़ी दो तरीके से, एक आपका आदर्श कौन, समाजवाद के नाम पर परिवारवाद की चाटुकारिता करने वाले। क्या कहा था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, सच्चा समाजवादी वह जो संपत्ति और संतति से के मोह से दूर हटकर के कार्य कर सके। क्या ये लोग रह पा रहे हैं, या एक परिवार का गुलाम बन करके उनकी चाटुकारिता कर रहे हैं, क्या यही समाजवादी आंदोलन है? कहां जयप्रकाश का आदर्श चला गया, कहां नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव जी का आदर्श चला गया, कहां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का आदर्श चला गया? देश के अंदर रामायण मेलों की शुरुआत तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने की थी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उद्घोष। कौन ऐसा भारतीय होगा जो जाति मत और मजहब से ऊपर उठ करके इसको अंगीकार न किया हो? और इसीलिए मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, एक ओर हमारा युवा पीढ़ी देश के बारे में क्या सोचता है, आज उसे जब सोचना होगा तो उन्हें इन महापुरुषों के बारे में एक बार इनके उद्घोष को भी अंगीकार करना होगा, और ये सभी युवा हैं। और दूसरी तरफ हम नए ज्ञान की परंपरा से अपने आप को वंचित नहीं कर सकते, कभी नहीं वंचित कर सकते। हर नया ज्ञान अपने आप में एक विज्ञान होता है, उससे आप अपने आप को दूर नहीं कर सकते। जब भी आप उससे अपने आप को दूर करेंगे तो आपके लिए स्वयं भी आने वाले समय के लिए आप स्वयं के लिए बैरियर खड़ा कर रहे हैं, उस बैरियर से अपने आप को बचाना। हमें समय के प्रवाह के साथ अपने आप को तैयार करना होगा, उसके साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यह समय की गति बड़ी निराली है। जो उसके साथ नहीं बढ़ पाता है तो समय उसकी दुर्गति कर देता है। हमें दुर्गति का शिकार नहीं बनना है, हमें तो उस प्रवाह के साथ 10 कदम आगे बढ़ करके चलना है। तमाम लोग नई बातों को, नए रिफॉर्म को अंगीकार नहीं कर पाते। कोई चीज नयापन आता है, लोग उसका विरोध करने के लिए झंडा लेकर के निकल पड़ते हैं। याद रखना, हमें अपने आप को तैयार करना होगा इस कार्य के लिए। और समय गया जब नारे लगते थे कि मेरी मांगें पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, वह बंद होना चाहिए। देश और समाज का उत्थान इसमें कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। याद रखना, हमारा एक एक क्षण, एक एक पल राष्ट्र धर्म के लिए समर्पित होना चाहिए। हमें नए ज्ञान से ओतप्रोत होना होगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को फिर से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में युवाओं की एक उत्कृष्ट टीम को नेतृत्व प्रदान करना पड़ेगा, उसे आगे बढ़ाना पड़ेगा। और मैं इस बात को भी स्पष्ट उल्लेख करूं, मैं हम लोग चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात का उल्लेख किया है, बार बार उन्होंने कहा कि राजनीति में अच्छे और पढ़े लिखे युवाओं को आना चाहिए और विश्वविद्यालयों को भी तय करना चाहिए कि छात्र संघ की जगह क्या हम विश्वविद्यालयों में युवा संसद की का गठन कर सकते हैं। ये युवा संसद जिसमें हर क्लास में यह तय होना चाहिए कि पहले ही वर्ष में कोई छात्र चुनाव लड़ने के लिए ना आ पाए, लेकिन हर क्लास में पहले प्रतिनिधि चुने जाएं और फिर उन प्रतिनिधियों में तय किया जाए कि कौन दूसरे तीसरे वर्ष में या फिर पीजी के कौन से छात्र चुनाव के मैदान में अपने आप को तैयार कर सकते हैं, कौन चुनाव लड़ेंगे।
मेरिटोरियस छात्र, जीवन के अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले वे छात्र जो समाज को दिशा दे सकते हैं वे लोग जाए। अन्यथा मैं एक बार देख रहा था एक विश्वविद्यालय में छात्र संघ का एक पदाधिकारी मुझे मिला, तो मैंने कहा भैया, मैंने कभी तुम्हारी उम्र बहुत ज्यादा लग रही है। तो तब मुझे किसी ने बताया कि साहब ये इस समय छात्र संघ का उपाध्यक्ष है और इनका पुत्र भी बीए में पढ़ रहा है। अब मुझे बताओ कि जिसका पुत्र बीए में पढ़ रहा हो उसी विश्वविद्यालय में वह छात्र संघ का पदाधिकारी बन रहा है, यानी जैसे कि छात्र संघ का पदाधिकारी बनने के लिए ही वह विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया है। आखिर उसकी भी तो एक सीमा होनी चाहिए, उस सीमा का अतिक्रमण तो नहीं होने देना चाहिए। विश्वविद्यालय शोध का केंद्र जिसको लंबे समय तक रहना है, छात्र की कोई उम्र हम तय नहीं कर सकते, लेकिन कोई लंबे समय तक विश्वविद्यालय में रहने का इच्छुक है वो शोध करे, उसको आप करने दीजिए। लेकिन छात्र संघ के चुनाव को लड़ने के लिए तो एक समय सीमा तय करनी ही पड़ेगी और युवा संसद का गठन होना चाहिए, लेकिन ये सभी एक समय में एक साथ हो। चुनाव का समय क्या है, आप सत्र नियमित करिए, 15 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त के बीच में तय कर लीजिए कि इस दौरान सभी प्रवेश की प्रक्रिया को पूरा करते हुए हम छात्र संघ का चुनाव करवा देंगे। और इसके बाद विश्वविद्यालय में पठन पाठन का कार्यक्रम हो, लेकिन इसके लिए भी छात्रों की गैदरिंग करके वहीं पे डिबेट कराओ, ओपन डिबेट कराओ। याद रखना, ये जाति मत और मजहब के आधार पर जब भी आप आपस में छात्रों को युवा शक्ति को बांटोगे, ये विभाजन न केवल भारत की प्रतिभा का होगा बल्कि यह विभाजन देश की युवा शक्ति और युवा ऊर्जा को तो विभाजित करने का वो पाप कर ही रहे हैं, उसके विकास की धारा को भी अवरोधित करने का भी कार्य कर रहे हैं। और हमें कभी भी ऐसे लोगों को जो जाति मत या मजहब के आधार पर विभाजन की उस खाई को चौड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं उसको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए, कभी नहीं बढ़ने देना चाहिए। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि आज विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है। मैं जब इसके बारे में सोचता हूं कहां तक हम पहुंच चुके हैं, एक लंबी यात्रा हम लोगों ने तय कर ली। याद करिए 1990 के दशक के प्रारंभ में देश के अंदर एक आंदोलन चला था, सरकारी बैंकों का कंप्यूटरीकरण हो रहा था, लोग आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन इस बात का हो रहा था कि कंप्यूटर लगने से लोग बेरोजगार हो जाएंगे। याद करिए जो लोग उस समय रहे होंगे, कंप्यूटर लगे लोगों का जीवन आसान हुआ, एक उपभोक्ता को आसानी से सुविधा मिलनी प्रारंभ हुई। उससे पहले होता क्या था, उससे पहले तो बैंक के बाबू या अकाउंटेंट की मर्जी होती थी, वो आपको 10 घंटे खड़ा कर ले, 4 घंटे खड़ा कर ले या उसको बंद करके चला जाए, कोई फर्क उस पर नहीं पड़ता था। कंप्यूटर आया, काम भी आसान हो गया, कोई व्यक्ति जाता है तत्काल अपने सारे कार्यों को ऑनलाइन भी देख सकता है और समय से सारी सुविधाएं उसे मिल भी जाती हैं। और अब वही नहीं, अब तो एटीएम भी आ गया, अब उससे भी आगे हम जा चुके हैं। विरोध बंद हो गया, एक समय के बाद अपने आप बंद हो गया, समाज को स्वीकार करना पड़ा था हमें सुविधा चाहिए, समाज को सुविधा चाहिए, उसको ईज ऑफ लिविंग चाहिए। सुविधा मिली और खुश होकर के आगे बढ़ गया, आज ई ऑफिस पे पहुंच चुके, हर व्यक्ति देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, ग्राम पंचायत के अंदर, विश्वविद्यालय में, अन्य संस्थानों में क्या कुछ हो रहा है उन सब का अवलोकन कर सकता है, कहीं कोई समस्या नहीं। विश्वविद्यालय में आप ई लाइब्रेरी देख रहे होंगे, पहले विश्वविद्यालय में कोई छात्र बुक्स मांगता था, रेफरेंस बुक्स उसको चाहिए,
कम होती थी, एक समय के लिए मिल पाती थी, पूरी नहीं मिलती थी, बामुश्किल 2-3 पुस्तकें एक बार में मिल पाती थी। आज तो आप जाइए ई लाइब्रेरी में जाइए, जो कुछ भी आपको डाउनलोड करना है सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। टेक्नोलॉजी नहीं होती तो क्या ये प्राप्त हो पाता है? क्या उसकी कोई सीमा है? कोई सीमा नहीं, जितना कोई लेना चाहता है ले सकता है। और केवल ये यहीं तक सीमित नहीं है, हर अच्छे कार्य का विरोध हुआ। प्रेस आया होगा उसका भी विरोध हुआ होगा, एटीएम आया उसका भी विरोध हुआ, जीपीएस आया उसका भी विरोध हुआ, और आज चलते चलते हम कहां पहुंच गए? चैट जीपीटी पे पहुंच गए। कोई आर्टिकल तैयार करना है 2 मिनट में आपको आर्टिकल आपके सामने किसी भी विषय पर, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप किसी भी विद्वान से कहेंगे कि एक आर्टिकल हमें तैयार करना है, वो 4-6 घंटा 10 घंटा लगाएगा, और अगर वह इससे पहले चाहता भी होगा तो फिर उनको तो अपनी विद्वता का दिखाना है कि नहीं मैं विद्वान हूं, इसलिए वो जब तक आप उसको 10 बार नहीं कहेंगे तब तक नहीं देता था। लेकिन अब आप उसको 2 मिनट में ही टेक्नोलॉजी आपको दिखा देगा कि नहीं आपको विषय में ये आपका रेफरेंस मैटर है, आप इसके अनुसार अपना लेख तैयार कर लीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके काम को और आसान कर लिया, लेकिन उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। उतना ही आपके सामने चुनौतियां भी आई हैं, AI और ऑटोमेशन के बाद हम लोग क्रिप्टो करेंसी की तरफ भी जा चुके हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की तरफ भी जा चुके हैं, और केवल इसी क्षेत्र में नहीं, कृषि के क्षेत्र में भी जीन एडिटिंग में पहुंच चुके हैं। कौन से ऐसा क्षेत्र है जहां पर आज विज्ञान ने प्रगति न की हो? और अगर हम इससे अपने आप को अलग करते हैं तो हम अपने आप भी अपने साथ भी अन्याय कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अपनी एक गौरवशाली परंपरा रही है, जो मैंने पहले भी कहा कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक नेतृत्व वर्ग इस विश्वविद्यालय ने दिया है। यह सच है कि हर नया ज्ञान हो या विज्ञान हो या प्रौद्योगिकी हो, उसकी अपनी चुनौतियां भी होती हैं। यह ज्ञान, यह चुनौती एक दूसरे के पूरक बनते हैं, बशर्ते कि वह सदुपयोग भी हो सकता है और उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। अच्छे हाथों में जाएगा तो सदुपयोग होगा, गलत हाथों में जाएगा उसका दुरुपयोग होगा। परमाणु ऊर्जा के भी यही थे, उसके दोनों हेतु बने हैं। उससे ऊर्जा भी बन सकती है और उससे एटम बम भी बन सकता है। गलत हाथों में जाएगा एटम बम से मानवता का नुकसान करेगा, अच्छे हाथों में जाएगा लोगों को बिजली, सस्ती बिजली मिलेगी। यह तो उस व्यक्ति पर निर्भर करता है जो इस तकनीक को अपना रहा है, उसके सुरक्षात्मक उपाय भी आवश्यक है। और इन सभी के साथ जुड़ते हुए जब आप सत्य और धर्म के पथ पर चलते हैं तो आपको ज्ञानवान होने के साथ साथ सीलवान भी बनाता है, और सीलवान आपको मनुष्य को मनुष्य बने रहने की प्रेरणा प्रदान करता है। एक मनुष्य को अपनी मानवीय गुणों के माध्यम से लोक कल्याण का मार्ग और उसके माध्यम से इस सृष्टि के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है, या फिर उसको अपनी दानवी प्रवृत्ति से मानवता के कल्याण के गर्त पर उसको ले जाना है, यह उस पर निर्भर करता है। और इसीलिए आज के इस अवसर पर जब हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 136वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर आए हैं, हमें प्रसन्नता है कि
विश्वविद्यालय फिर से अपने पुरातन गौरव को प्राप्त करने के लिए एक नई तड़प के साथ आगे बढ़ा है, और यह तड़प उसी प्रकार से हम लोगों को दिखाई देती है जैसे प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को एक दिव्य और भव्य कुंभ के रूप में स्थापित करने की एक तड़पन प्रयागराज के पास फिर से हम सबके सामने दिखाई दे रही है। मैं इस अवसर पर यहां के विश्वविद्यालय के छात्रों से कहूंगा कि प्रयागराज कुंभ के भी अलग अलग पक्ष को लेकर के आपको भी अपने शोध को आगे बढ़ाना चाहिए, अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना चाहिए। कुंभ या माघ मेला प्रयागराज की दृष्टि से क्या है? आध्यात्मिक और धार्मिक लाभ तो उसके हैं, लेकिन यहां की अर्थव्यवस्था पर, यहां के रोजगार पर, यहां के विकास पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है, ये सब बातों को अगर हम इसके साथ जोड़ करके देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपके लिए एक नया चीज बनेगा। एक स्टडी इस पर होनी चाहिए, दुनिया भर के तमाम विश्वविद्यालय स्टडी करते हैं, इस विश्वविद्यालय को भी इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यहां पे माघ मेला हर वर्ष होता है, हर 6 महीने में अर्धकुंभ कुंभ होता है और महाकुंभ 12 वर्ष की अवधि में यहां पर आयोजित होता है। इन सभी कार्यक्रमों को अगर हम इसके साथ जोड़ेंगे तो वह हमें एक नई दिशा की ओर अग्रसर करने के लिए प्रेरित करेगा, और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मां गंगा की पवित्र धारा है, ये त्रिवेणी है, वैसे भी प्रयागराज की त्रिवेणी हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करती है। प्रयागराज गंगा यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी का संगम तो है ही, यहां पर विश्वविद्यालय का यह उत्कृष्ट माहौल और लाखों बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए यहां पर पूरे मनोयोग से पढ़कर के आगे बढ़ता है, और यहां के बारे में कहा जाता है कि जिस भाव से जो छात्र यहां आता है उसी भाव के अनुरूप से सफलता भी प्राप्त होती है, उसी भाव के साथ उसे सफलता प्राप्त होती है। के भाग्य में प्रयागराज नहीं था, प्रयागराज ने उन्हें जीवन दिया, एक दिशा दी, वे वापस अपनी मातृभूमि की ओर गए और उन्होंने वहां से अपना केंद्र बिंदु बनाकर के पूरे देश के अंदर आज छा गए, साहित्य जगत में छा गए। कौन ऐसा व्यक्ति होगा भारत या हिंदी प्रेमी, कौन ऐसा दुनिया का नहीं होगा जो डॉक्टर कुमार विश्वास को सुनना चाहता होगा। उनकी कलम की धार ने, उनकी लेखनी ने उन्हें पहचान दिलाई, लेकिन उन्होंने विश्वविद्यालय को स्मरण किया। छात्र संघ या फिर इस प्रकार की गतिविधियों को सकारात्मक भाव के साथ हम कैसे देखें? विश्वविद्यालय के पुरातन छात्रों को जोड़ने की व्यवस्था को हम फिर से कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? और पता नहीं क्यों हमारे संस्थान अपने पुरातन छात्रों को अपने साथ जोड़ने में कोताही बरतते हैं। अगर हम उसको फिर से जोड़ सके तो बहुत कुछ हम लोग अर्जित कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, विश्वविद्यालय की भौतिक प्रगति में, विश्वविद्यालय के अंदर एक नए माहौल को पैदा करने में, विश्वविद्यालय की गति को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने में वह काफी मददगार हो सकता है। और उस दिशा में उस सार्थक पहल के लिए मैं विश्वविद्यालय का आह्वान करूंगा। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय कुलपति जी के नेतृत्व में इलाहाबाद विश्वविद्यालय लगातार प्रगति के नित नए प्रतिमान स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो जनता की भावनाएं हैं, जिसके लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय जाना जाता था, उत्कृष्ट अकादमिक माहौल बनाने के लिए, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्ट शोध के लिए, उत्कृष्ट नवाचार के लिए, अलग अलग पक्षों को लेकर के होने वाले विभिन्न
जो स्टडीज हैं उन सब का एक उत्कृष्टतम केंद्र के रूप में विश्वविद्यालय फिर से अपने आप को स्थापित करेगा। इस विश्वास के साथ जिन छात्र छात्राओं को आज यहाँ पे डिग्रियाँ प्रदान की गई हैं, मैं देख रहा था उसमें से यहाँ पे डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने भी कहा कि 9 छात्रों को मंच पर प्रदान की गई डिग्री, उनमें से 8 बालिकाएं थी। एक अच्छा परिणाम अच्छा था और उनमें एक उत्साह भी है। छात्रों को भी उससे कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए कि वास्तव में बालिकाएं मेडल प्राप्त कर जा रही हैं, बालक पीछे रुक जा रहे हैं। और जबकि मेरा विश्वास है कि माँ बाप ने बालक पे ज़्यादा ध्यान दिया होगा, बालिका पे कम ध्यान दिया जाता है। क्योंकि मैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर देखता हूँ, मैं एक जनपद में गया था 2017 में, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे थे, बेसिक शिक्षा स्कूल में जा रहे थे। मैंने गाड़ी रोकी, यही नवंबर दिसंबर का महीना रहा होगा, मैंने वहां पर एक बालिका थी, कपड़े भी फटे थे, तीसरी चौथी क्लास की बच्ची थी, नंगे पैर थी, कंधे में एक झोला उसने टांगा हुआ था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कहाँ जा रही हो, कहा स्कूल। मैंने कहा तुम कितने भाई बहन हो, कहा कि हम 3 भाई बहन हैं, 2 भाई हैं, 1 मैं हूं। तो मैंने कहा भाई स्कूल नहीं पढ़ते, कहा नहीं वो भाई हैं ना तो दूसरे स्कूल में गए। तो मैंने समझ पाया कौन दूसरा स्कूल, तो कहा उसने कहा मुझे कहा क्यों अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं, और मैंने कहा आप, कहा कि मुझे जो है सरकारी स्कूल में भेजा गया है। मैंने कहा तुम्हारे पैर में चप्पल नहीं है, कपड़े भी तुम्हारे फटे पुराने हैं, तुम्हारे भाइयों के पास भी ऐसे ही है। तो उसने कहा नहीं भाई है ना तो भाई को तो चप्पल भी जूता भी मिला है और कपड़े भी मिले हैं। तो मैंने कहा तुम्हें क्यों नहीं मिले, कहा नहीं मुझे सरकारी स्कूल में भेजा गया है। तो मैं लखनऊ आया और लखनऊ मैंने बैठक ली बेसिक शिक्षा परिषद की, और मैंने कहा भी आदेश करो कि हर बच्चे को हम 2 यूनिफॉर्म देंगे और बालक बालिका की एक जैसी यूनिफॉर्म होगी, जूते मोजे भी देंगे, यूनिफॉर्म भी देंगे। 1,91,00,000 बच्चों को हम आज के दिन पे 2 यूनिफॉर्म देते हैं, स्वेटर भी देते हैं, बैग बुक्स शूज सॉक्स सब देते हैं, एक समानता उसके माध्यम से लाने का कार्य किया गया। याद रखना जब तक हम समानता नहीं लाएंगे, बालक और बालिकाओं के बीच के विभेद को समाप्त नहीं करेंगे, प्रगति नहीं होगी। जब तक चाहे वह परिवार के अंदर के वाद को हो, चाहे वह समाज के बीच के वाद का हो, जब तक इस पर कठोर प्रहार नहीं होगा तब तक प्रगति हमारी बाधित होती रहेगी। और उसी कठोर प्रहार के लिए हम सबको तैयार होना होगा, हमारे अकादमिक संस्थानों को, हमारे विश्वविद्यालयों को वर्तमान की इन चुनौतियों से जूझने के लिए युवा पीढ़ी को तैयार करना होगा। वह समय गया जब समाज की खाई को चौड़ा करके लोग अपना उल्लू सीधा करते थे, अब उससे काम नहीं चलने वाला है। हमें दुनिया को देखना होगा, हमें देश की प्रगति के साथ अपने आप को तारतम्य स्थापित करते हुए आगे बढ़ना होगा। और इस देश से राष्ट्रीय शिक्षा नीति आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आप सबको प्राप्त हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक नए भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा 2047 में, तब कैसा भारत हमें चाहिए, उस भारत के सपने को साकार करने की एक अभिनव यात्रा है। और शिक्षा जगत को, हमारे युवाओं को उसके साथ तारतम्य स्थापित करते हुए आगे बढ़ना होगा, अपने आप को तैयार करना होगा। दीक्षांत समारोह उसी की एक नई कड़ी के रूप में आज इन सभी छात्रों को, जिन्हें आज उनकी डिग्री अवार्ड की जा रही है, उनके नए जीवन में प्रवेश करने का एक नया सुअवसर उन्हें प्रदान कर रहा है। मैं उनको और उनके माता पिता को हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। विश्वविद्यालय परिवार को दीक्षांत समारोह में आमंत्रित करने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। एक सदाचार पूर्ण देश के निर्माण के सशक्त संदेश के साथ मुख्यमंत्री जी ने हमें जो संदेश दिया है, हम उसके आभारी हैं और ये संकल्प लेते हैं कि इस विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा के एक बहुत ही श्रेष्ठ संस्थान के रूप में हम फिर से विकसित करेंगे। इसी के साथ मैं माननीय कुलपति महोदया से निवेदन करती हूँ कि वे ये दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करें। हम इस दीक्षांत समारोह के अभीष्ट तक पहुँच रहे हैं। माननीय कुलपति महोदया।